आज हम लोग खरबूजे का जूस बनाएंगे, बहुत अच्छा टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे बहुत ही कम सामग्री लेके हम लोग ये बनाएंगे जूस। तो आप देख सकते हो लुक वाइज बहुत ही अच्छा है, टेस्टी बनेगा। और अभी गर्मी के टाइम ये लेंगे तो बहुत ही हेल्दी हमारे लिए जूस बनेगा। यम्मी कुक में आपका स्वागत है, मैं हूँ छाया। और यहाँ पे हम लोग पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे ताकि हम लोग अभी गर्मी के टाइम कुछ ना कुछ हमको जूस चाहिए, लिक्विड चाहिए। तो ये आप बना के इजीली सबको सर्व भी कर सकते हो और पीने में एकदम ठंडक रहेगा। तो यहाँ पे पूरा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सा खरबूजा मैंने लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद इसको हम ऊपर से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं गोल कटिंग कर दूंगी और अच्छे से हम लोग कटिंग कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे बीच में से हम पल्प निकालेंगे। तो चप्पू की मदद से हम लोग गोल गोल घुमाएंगे और सारा पल्प ऊपर का निकाल देंगे। ये एकदम आसानी से निकल जाता है फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हो कि निकल गया है। और अंदर जो सीड आता है वो हम लोग इसको निकाल देंगे। तो सारे सीड निकाल देंगे पूरा। ये आप एक बार खरबूजा का जूस बनाओगे तो आप दूसरा कोई भी जूस लेना भूल जाओगे, इतना बढ़िया टेस्टी बनता है। तो आप ज़रूर से एक बार बनाना। अभी ये पल्प मैंने सीड निकाल दिया है, अभी इसमें से हम पल्प निकालेंगे। तो यहाँ मैं चम्मच लूँगी, उसकी मदद से हम लोग सारा पल्प निकाल देंगे। तो अच्छे से ये आराम से निकल जाएगा सारा पल्प, हमको कोई झंझट भी नहीं रहेगी। तो हम इसको निकाल देंगे सारा पल्प को। आप देख सकते हो एकदम इसी तरीके से ये निकल जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें ही सर्व करना है तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप कटिंग करके भी जूस बना सकते हो फ्रेंड्स। लेकिन इसके साथ सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा अपने को लुक वाइज। तो ये मैंने सारा पल्प निकाल दिया है, पूरा खाली हो गया अंदर से। अभी इसको मैं दिखाऊंगी, इतना पल्प हमारा हुआ है, इसमें से हमारा पूरा जूस बन जाएगा, रेडी कर हो जाएगा। अभी एक मिक्सर चल लेंगे, उसमें मैं 7 से 8 बादाम ले लूँगी, ड्राई फ्रूट आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। 3 चम्मच मैंने मलाई ली है, इसके अंदर आप आइसक्रीम भी डाल सकते हो। 2 टेबल स्पून मैंने शुगर लिया है, ऐसे तो मीठा ही है लेकिन थोड़ा मलाई के हिसाब से मैंने डाला है। और 2 बर्फ़ के टुकड़े डाले हैं ताकि ठंडा होगा। ये अच्छे से हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा जूस बन गया है। अभी जब जो हमने खरबूजा लिया था उसके अंदर ही हम सर्व करेंगे, तो मैंने इसके अंदर सारा जूस डाल दिया है। तो लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है, एकदम टेस्टी बनता है। और उसके ऊपर बादाम और पिस्ता की कटरन डाल देंगे ताकि एकदम बढ़िया लुक आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, एकदम इजी तरीके से आप घर पे बना सकते हो। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक करना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना और फ्रेंड के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। एकदम बढ़िया ठीक है, ऐसा जूस हमारा बना है।